हेलो एवरीवन, दिस इज चंचल श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, खंडेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बरेली। नाउ टुडे माय टॉपिक इज़ राइस गुंदी बग। राइस गुंदी बग, फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट पैडी ऑफ पेस्ट। दैट मींस राइस की क्रॉप को हानि पहुंचाने वाले पेस्ट, जिसमें राइस की क्रॉप को कई तरह की से हानि पहुंचाने वाले पेस्ट, जिसमें 65% इंसेक्ट होते हैं, कुछ बर्ड्स पक्षी होते हैं, रेट चूहों द्वारा, और कुछ मॉलस्कन जिसमें पाइला आदि आते हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कस राइस गुंदी बग। सबसे पहले हम राइस गुंदी बग की सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम बात करें, तो यह फाइलम आर्थ्रोपोडा को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस जॉइंटेड लेग्स। क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर हेमिपटेरा। जीनस लेप्टोकोराइजा। स्पीसीज वेरी कॉरिनस। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन और फूड प्लांट्स के बारे में या इसके विषय में जानकारी लें, तो मोस्टली इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ ओरिएंटल रीजन, जिसमें सबसे ज़्यादा पैडी क्रॉप को डैमेज करने वाली गुंदी बग उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। फूड प्लांट्स जिन पर यह फीड करती है, उनमें पैडी के अलावा यह अदर प्लांट्स जिसमें मेज, बाजरा, ज्वार, राई, शुगर केन एंड सम अदर ग्रासेस पर भी यह देखी जाती है। अगर हम जर्नल अपेरेंस को डिस्कस करें, तो जर्नल अपेरेंस के अकॉर्डिंग गुंदी बग ग्रीन एंड ब्राउन कलर की, अबाउट 20 mm लेंथ की होती है। अकॉर्डिंग टू नेम, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, गुंदी बग, गुंदी दैट मीन्स होता है स्मेल, एक स्पेशल टाइप की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इसको गुंदी बग या गंदी बग भी कहते हैं। इसमें 4 लॉन्ग जॉइंटेड एंटीनी एंड 3 जॉइंटेड टर्सी होते हैं। गुंदी बग की सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो है कि गुंदी बग इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम में काफ़ी एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होकर यह हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ लेप्टोकोराइजा, जिसमें हम लाइफ साइकिल पैडी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेप्टोकोराइजा पूरे वर्ष रिप्रोडक्शन करके इसकी जो एडल्ट फीमेल होती है, वो वन टाइम में पैडी की लीफ पर, यानी धान की जो पत्तियां होती हैं उनकी लीफ पर 20 to 30 एग ले करती है, और ये एग जो होते हैं वो मोस्टली ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, जो फ्लैट होते हैं। ये एग तब तक लीफ पर चिपके रहते हैं जब तक इनका हैचिंग टाइम नहीं आ जाता, अबाउट एग ले करने के 6 to 7 days बाद ये एग हैच होते हैं, और हैच होकर इनमें येलो या ग्रीन कलर का निम्फ निकलता है। यह निम्फ लगभग एडल्ट की स्टेज तक पहुंचने में 6 stages का चेंजमेंट करता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी इन दिस पिक्चर राइस या गुंदी बग जो है वो राइस की क्रॉप पर है। आफ्टर ये क्या करेगी, एग ले करेगी। आप देख रहे हैं पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में राइस गुंदी बग ने क्या किया, लीफ की ऊपर अपने एग ले किए जो ब्लैक कलर के। ये एग हैच होकर इस तरह के चेंजेस करेंगे। आप ऊपर पिक्चर्स में देख रहे हैं, एक छोटा सा इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द निम्फ, और लोअर पिक्चर्स में देख रहे हैं कि एक छोटे से एग थे, वो हैच हुए, उनमें से कुछ इस तरह का निम्फ में चेंजेस हुए। नेक्स्ट जहाँ पर ये एडल्ट फीमेल एग ले करती है,
वहाँ पर लीफ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जहाँ पर एग ले किए थे वहाँ पर कुछ स्पॉट या कुछ ऐसे धब्बे पड़ गए हैं जिससे लीफ क्या हो गई है, बेकार, ख़राब हो गई। सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि जहाँ पर ये एग ले करती है फीमेल, वहाँ पर ये फंगस ग्रो कर जाती है, और जो फंगस ग्रो कर जाती है इसी को हम लोग डैमेज कैटेगरी, यानी कि जो हमारी क्रॉप्स है उसमें क्या क्या डैमेज होंगे, तो नेक्स्ट वी आर डिस्कस डैमेजेस। डैमेज की अगर हम बात करें तो बुंदी बग इज़ द मेजर पेस्ट जो राइस की क्रॉप को या राइस की क्रॉप का जो मिल्की पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं धान की जब फसल ग्रो करती है उसमें सबसे पहले एक मिल्की पार्ट जनरेट होता है, उस मिल्की पार्ट को ये निम्फ और पैडी एडल्ट फीमेल दोनों क्या करते हैं, उसको एज ए सक करते हैं, जूस के रूप में शक करते हैं। और जहाँ पर ये एग ले करते हैं वहाँ पर आपने देखा कि ऑलरेडी ये लीफ के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनकम्प्लीट हो पाती है और प्लांट्स क्या हो जाता है, सूख जाता है। इस तरह से पैडी क्रॉप्स की लीफ और प्लांट दोनों को ये डैमेज करके नुकसान पहुँचाते हैं। अब इन डैमेज और नुकसान होने वाले को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसीलिए वी आर डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कंट्रोल और प्रिवेंशन की बात करें तो बेसिकली प्रिवेंशन कंट्रोल को डिवाइड इनटू थ्री मेथड्स। कौन कौन सी थ्री मेथड्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पहला है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जिसमें क्या होता है कि हैंड नेट यानी हाथों के बने हुए नेट से इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं या पैडी बैग को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम केरोसिन ऑयल की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उनको जला देते हैं। सेकंड मेथड केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं। केमिकल मेथड में जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनकी हेल्प ली जाती है, पैडी क्रॉप्स पर छिड़काव करते हैं जिसमें हमारा BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड 0.25% यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में वी नो दैट कुछ ऐसे इंसेक्टिवोरस होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं और फिर इसकी हेल्प से रोक सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि क्रॉप्स पर इंसेक्ट लगे हुए हैं या पैडी बग लगी हुई है तो कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, उन इंसेक्ट को खा लेती हैं और खाकर हमारी क्रॉप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैडी बग या राइस गुंदी बग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।